नमस्कार दोस्तों, एनआरआई होना अपने आप में एक गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि एनआरआईज भारत से बाहर जाकर के प्रीशियस फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं, और वो फॉरेन करेंसी बहुत सी बार बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, वो इंडिया में इन्वेस्ट भी करते हैं। जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके दिमाग में एक प्रश्न रहता है या रहना चाहिए कि क्या मुझे भारत में अपनी आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है या नहीं भरनी। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में आपकी सेवा में ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका टॉपिक मैंने लिया है, शुड एनआरआई फाइल आईटीआर इन इंडिया और नॉट। दोस्तों, पहले आपके सामने टेक्निकल डिस्कशन रख रहा हूं कि हु इज एन एनआरआई, एक नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन है, क्योंकि उसी परस्पेक्टिव से आपको अपने केस को देखना है कि क्या मैं एनआरआई की डेफिनेशन में आता हूं या नहीं। सो एज पर सेक्शन 115 सी ऑफ इनकम टैक्स लॉ, एनी non-resident Indian means an individual, यानी केवल एक individual ही NRI हो सकता है, being a citizen of India or a person of Indian origin who is not a resident. बड़ी clear definition section 115C of income tax law में दी गई है कि यदि आप एक individual हैं जो या तो Indian citizen है या person of Indian origin है और जो रेजिडेंट नहीं है, वो क्या माने जाएंगे? एनआरआई माने जाएंगे, क्योंकि इसी से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसी से ये भी तय होता है कि क्या आपको आईटीआर भरने की आवश्यकता भी होगी या नहीं होगी। फर्दर एक एक्सप्लेनेशन और दिया गया है इसी सेक्शन में, अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति किसे माना जाएगा, इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। यदि आप स्वयं या आपके माता पिता या आपके ग्रैंड पेरेंट्स अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, तो ऐसी परिस्थिति में आप भारतीय मूल के व्यक्ति भी माने जाएंगे। उस केस में जब आपने सिटीजनशिप इंडिया की छोड़ दी, लेकिन आपका जन्म हुआ, आपके माता पिता का जन्म हुआ या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का इंडिया में जन्म हुआ अविभाजित भारत में, तो आप भारतीय मूल के व्यक्ति माने जाएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूं कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों, सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स लॉ आपको रेफर करनी चाहिए, जो दो बेसिक कंडीशन और दो एडिशनल कंडीशन लेकर के चलता है। यदि आप दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, जैसे एक बेसिक कंडीशन है कि फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर योर पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इज 182 डेज, देन यू आर अ रेजिडेंट, और फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर यू आर फॉर 60 डेज इन इंडिया एंड उससे पिछले के चार सालों में यू आर फॉर 365 डेज इन इंडिया। अब अगर आप एनआरआई होना चाहते हैं तो आपको नॉन रेजिडेंट होना पड़ेगा, और नॉन रेजिडेंट वो व्यक्ति है जो दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता। लेकिन दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2021 से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन सबसेक्शन 1A के रूप में सेक्शन 6 में जोड़ी गई थी, जो आपके बड़े काम की हो सकती है, कि आप स्वयं को एनआरआई मान रहे हैं लेकिन भारत सरकार आपको सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 6 के रेफरेंस से रेजिडेंट मानने की ओर भी बढ़ सकती है। कब लिखा है सबसेक्शन 1A में, नॉट दिस स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1 एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं शामिल है, केवल इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिक, वो खुद को देखे कि क्या मैं इस सबसेक्शन 1A में तो नहीं आ रहा, चाहे वो एनआरआई बनना चाह रहे हैं। Notwithstanding anything contained in clause 1, an individual being citizen of India, having total income other than income from foreign sources, yani aapke paas aisi total income hai jo foreign sources ke alawa hai, exceeding 15 lakh rupees during the previous year, shall be deemed to be resident in India. Badi important baat hai sir, ke aap to khud ko non-resident maan rahe, lekin subsection 1A ke anurup aapki Indian income 15 lakh rupees se jyada ki hai, to aapko India mein resident maana jayega. If he is not liable to tax in any other country or territory by the reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature. यानी अगर आपकी जो विदेशी आय है, उस विदेशी आय के संदर्भ में आप इंडिया से बाहर जिस भी कंट्री में हैं, आप liable to tax ही नहीं। अब अगर आप liable to tax नहीं है, किस वजह से नहीं है? Because of your domicile, because of your residence or other criteria of similar nature. ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये उन लोगों को कवर करने के लिए बनाया गया जो भारत से बाहर इस प्रकार रहते हैं कि वो किसी भी देश में टैक्सेबल असेसी होने के रूप में काउंट नहीं होते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इंडिया में रेजिडेंट माने जाएंगे, प्रोवाइडेड
आप किसी भी और कंट्री में या टेरिटरी में बिकॉज ऑफ योर डोमिसाइल और रेजिडेंस और अदर क्राइटेरिया रेजिडेंट नहीं माने जा रहे हैं, टैक्सेबल नहीं हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी। अब दोस्तों कुछ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपके सामने रख सकता हूं कि काइंड ऑफ इनकम एनआरआई मे हैव इन इंडिया। मैं मान लेता हूं कि आप इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, आप नॉन रेजिडेंट हैं, लेकिन नेचुरली यू मे हैव इंडियन इनकम, आपके पास इंडिया में इनकम हो सकती है, क्योंकि अगर आपके पास इंडियन इनकम है तभी आपको आईटीआर के लिए विचार करना है। से यू मे हैव इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट मे बी फ्रॉम एनआरई और एनआरओ अकाउंट। एनआरई का इंटरेस्ट जो बाय डिफॉल्ट है सर वो एग्जम्प्ट रहता है, और एनआरई अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल होता है एक नॉन रेजिडेंट के लिए। इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, अगर आपने इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट किया वहां से आपको डिविडेंड आ रहा है वो आपकी इंडियन इनकम का टैक्सेबल इंडियन इनकम का हिस्सा होगा। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपने किया है वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, ये भी एज एनआरआई आपके इंडियन इनकम का हिस्सा होगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हो सकता है आपने इंडिया में रियल एस्टेट बेची हो, आपने शेयर्स बेचे हों, आपने म्यूचुअल फंड बेचे हों या और कोई एसेट बेची हो उससे आपको कैपिटल गेन हुआ हो। हो सकता है आपको इंडिया में कोई प्रॉपर्टी जो आपके ऑनरशिप में हो या आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी के रूप में एक्वायर हुई हो उससे रेंटल्स आ रहे हों। इसी प्रकार दोस्तों एज एन एनआरआई आपके पास इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स हो सकती है, डिबेंचर्स हो सकती है या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से भी इनकम आजकल एनआरआई को इंडिया में आती है। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि आईटीआर फाइलिंग अंडर सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स है एक एनआरआई को कब करनी है। नंबर वन, व्हेन योर ग्रॉस टोटल इनकम इन इंडिया एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ये बड़ा थंब रूल है सर कि मान लीजिए वित्त वर्ष 21-22 में आपकी इंडियन इनकम 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जैसे ही 2.5 लाख से ऊपर है आप मान के चलिए प्राइमा फेसाई यू आर लाइबल टू फाइल आईटीआर इन इंडिया। दूसरी बात, वेन यू आर अवेलिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 to 54 GB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। कई बार ऐसा हो सकता है एज एनआरआई आपने कोई प्रॉपर्टी इंडिया में बेची, दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर्टी बेची या बॉन्ड्स खरीद ली और आपको लगता है मेरा कैपिटल गेन तो एग्जम्प्ट है, सर फिर भी आपको रिटर्न भरना चाहिए या भरना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन 139 ये कहता है कि रिटर्न भरने का जो क्राइटेरिया है वो विदाउट प्रोवाइडिंग एग्जम्पशन ऑफ 54 to 54 GB आपकी इनकम कैलकुलेशन से चलेगा। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 25 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एज एनआरआई, उन्होंने वो पूरा 25 लाख का कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर लिया 54EC के बॉन्ड्स में एनएचएआई में, तो भी सर उनको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तीसरी बात, व्हेन यू हैव इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ग्रेटर देन ₹2 लाख फॉर योरसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन फॉर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री। ये रूल सबके लिए लागू है सर कि मान लीजिए आप इंडिया में आए, इंडिया से आप वापस जा रहे थे स्वयं और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ और आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री के एग्रीगेट अमाउंट के एक्सपेंडिचर इनकर कर लिए, आप आईटीआर भरने के क्राइटेरिया में आ गए। व्हेन यू हैव इनकर्ड एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट ऑफ एन अमाउंट ग्रेटर देन ₹1 लाख फॉर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, ये क्राइटेरिया भी सभी के लिए समान रूप से लागू है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। जो भी व्यक्ति 1 लाख से ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर एक वित्त वर्ष में खर्च करेगा उनको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अब दोस्तों आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चर्चा कर रहा हूं, आईटीआर फाइलिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 115G। बहुत से एनआरआई सर 115G की एग्जम्पशन लेकर के बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन देयर ऑफ वो ये कहता है कि अगर आप एनआरआई हैं आपको रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इट शेल नॉट बी नेसेसरी फॉर अ एनआरआई टू फर्निश अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 139 अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम इफ ए हिज टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल अंडर दिस एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंसिस्टेड ओनली ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम और इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और बोथ। यहां इन्वेस्टमेंट इनकम का तात्पर्य ऐसे स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स है दोस्तों जो इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 115C में मेंशनड है। तो एज अ एनआरआई अगर आप स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट से कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमा रहे हैं या उन इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हैं और उस इनकम पर ड्यूली जो भी टीडीएस एप्लीकेबल होना था वो लागू हो चुका है तो सेक्शन 115G एज एनआरआई आपको एग्जम्प्ट करता है आईटीआर भरने से। अब ये अपने आप में इतना सरल सेक्शन है जो एनआरआईज बड़े आराम से यूज कर सकते हैं और कहते हैं कि हाँ साहब बढ़िया जी मैं तो 115G में कवर्ड हूं। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों
इन दिनों जो सेक्शन 148 के नोटिसेज आए हैं, उन सेक्शन 148 के नोटिसेज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 115 जी की धज्जियां उड़ा दी। यानी 115 जी को ध्यान में रखे बिना, क्योंकि एनआरआई तो ये सोच के बैठा था कि मेरे पास में केवल इन्वेस्टमेंट इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, टीडीएस मेरा कट चुका है, मुझे रिटर्न नहीं भरना। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो बहुत सारे एनआरआईज को नोटिसेज दे करके बुला लिया कि आइए आपका असेसमेंट करेंगे। तो सर कहने का मतलब ये है, प्रैक्टिकल एडवाइस यहां पर दे रहा हूं, एज एन एनआरआई आप आज की डेट में 115 जी के भरोसे मत रहिए। क्यों नहीं रहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेक्शन इनवैलिड है, ये सेक्शन लागू नहीं है, बिल्कुल लागू है, इस सेक्शन पे लड़ा जा सकता है। लेकिन सर लड़ने से पहले अगर आपको इनकम टैक्स की ओर से नोटिस आ गया, तो टू अवॉइड दैट नोटिस व्हाई नॉट टू फाइल आईटीआर इन इंडिया। सो आई कीप ऑन एडवाइजिंग दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू फाइल आईटीआर इन इंडिया, इवन इफ यू हैव नेग्लिजिबल इनकम इन इंडिया। व्हाई इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, से फॉर एन एग्जाम्पल एज एन एनआरआई यू हैव सम 5 crore रुपीज लाइंग इन एनआरई एफडीज, और वो एनआरई के एफडी आप लगभग साल में 2 साल में रिन्यू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बैंक से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस व्यक्ति के इतने की एफडी रिन्यू हुई, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया क्योंकि आपकी 5 crore की एफडी रिन्यू हुई। अब वो ये भी नहीं देख रहे कि रिन्यू हुई, उन्हें तो ये पता चल रहा है कि एफडी बुक हुई, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप 5 crore की एफडी के लिए पैसा कहां से लाया, आपने रिटर्न तो भरी नहीं। दिस क्रिएट्स अ सस्पिशन इन द माइंड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। Therefore, I keep on suggesting, sir, what is bad if you will file ITR in India? Because that is a simple procedure as compared to facing assessment in India. So, my advice is that you should think about filing ITR wherever you have Indian investments. तो दोस्तों जैसा मैंने पिछले स्लाइड में भी ये एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने बात रखी, मैं उसे फिर प्रैक्टिकली बोलना चाहता हूँ कि फाइलिंग ऑफ ITR इन सर्टेन स्पेशल केसेस एज ए NRI आपको सोचना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए आप ITR भरें जब आपने इंडिया में रियल एस्टेट परचेस करी। अब कोई जना मुझसे आर्ग्यू कर सकता है कि अनूप जी मैंने तो विदेश से लाए गए फंड से परचेस करी प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है ना सर, आपका विदेश से लाया गया फंड है, आप NRE में लाए होंगे या NRO में लाए होंगे, तो आपका जो NRE NRO का इंटरेस्ट है उसी को ऑफर कर दीजिए ITR में। सेल एंड परचेज ऑफ रियल एस्टेट, सो परचेज के साथ सेल के केस में कैपिटल गेन है, परचेज के समान जब आपने सेल किया है रियल एस्टेट का तो भी यू हैव टू थिंक अबाउट फाइलिंग ITR इवन इफ यू आर क्लेमिंग एग्जम्पशन फॉर सच सेल रिलेटेड कैपिटल गेन बिकॉज ऑफ रीइन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड शेयर, आपने इसी प्रकार दोस्तों म्यूचुअल फंड शेयर्स परचेज किए हों या इवन सेल किए हों तो आपको इंडिया में ITR भरनी चाहिए। कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स, हालांकि थ्रेशोल्ड बदलती रहती हैं लेकिन किसी भी खाते में 10 लाख रुपए या उससे अधिक नकद अगर जमा होता है तो IT डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होता है और वो उसको जनरली अपने स्क्रूटनी के क्राइटेरिया पे लेते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर आपके NRO अकाउंट में ह्यूज अमाउंट के कैश विड्रॉल डिपॉजिट है यू शुड फाइल ITR। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपके 26S में कोई TDS दिख रहे हैं सर्टेन पेमेंट्स के तो भी यू शुड थिंक अबाउट फाइलिंग ITR इन इंडिया। एक और प्रैक्टिकल सजेशन यहां दे रहा हूं, विच ITR फॉर्म टू फाइल, शुड इट बी ITR 1, 2, 3 और ITR 4। सर देखिए NRIs के केसेस में ITR 1 तो नहीं जाता, तो या तो ITR 2 जाएगा या आपका बिजनेस प्रोफेशन की इनकम अगर है एज एन NRI इंडिया में, आपका कोई बिजनेस का भी इनकम है, प्रिजम्पटिव बिजनेस है 44AD का या 44ADA का, तो देन इन दैट केस आप उस परिस्थिति में तो ITR 4 भरें। और अगर आपका कोई रियल बिजनेस है जो 44AD या ADA में नहीं आ रहा, से टैक्स ऑडिट वाले केसेस में, तो वहां आप ITR 3 भी भर सकते हैं। पर मोस्टली NRIs इंडिया में ITR 2 भरने के लिए लाइबल है। तो दोस्तों मैं पुनः अंत में आपको NRI होने के लिए बधाई देता हूं कि आप इंडिया से बाहर जाकर के एम्प्लॉयड हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी तो इंडिया का इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व बनता है, तो इसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन अतुलनीय है। बट आपके इस कॉन्ट्रीब्यूशन के अलावा मेरा ये प्रैक्टिकल सजेशन है दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम फाइलिंग ITR इन इंडिया। आप स्वयं अपने कंसल्टेंट की हेल्प से ITR यदि भरते हैं अपने इंडियन इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में, तो वो आपको किसी भी प्रकार की इनकम टैक्स की कॉम्प्लिकेसी से बचाने का एक तरीका सिद्ध हो सकती है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।